नेक्स्ट कॉलर दयाल सिंह जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, बोलिए। मुझे बाबा सिंह की शिकायत है। ठीक है, कौन सी वाली बावसीर है, खूनी, बादी या चाइनीज? बादी से पहले सूजन आती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर खून भी आता है मामूली। ठीक है, चाइना मिक्स है आपको बवासीर, और बड़ा अच्छा नुस्खा मैं बता रहा हूँ। अगर आपने लिख लिया तो आपका, नहीं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। इस सौंफ सौंफ लीजिए 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, और आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम, और इन सबको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बनाएं। और एक नमक आता है जैतून का नमक, इसे जैतून का रसायन भी कहते हैं, ये भी 150 ग्राम लेकर इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं। आपकी मिक्स बवासीर ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं जानकी जी, यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी, बोलिए, सवाल करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो है कान में पहले थोड़ा सा पानी जैसा आया, कुछ दिनों तक आता रहा, तो उसको हम साफ करते रहे। इसके बाद जो है अब उसमें खैर पानी तो नहीं आता है, लेकिन कुछ कभी कभी आ भी जाता है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मतलब सुनाई भी कम मैं पड़ रहा है, तो इसके लिए कोई नुस्खा हो तो। देखिए, एक तो जब भी नहाया करें आप, तो नहाने के बाद सबसे पहले रुई सीक से अपना कान साफ कर लिया करें, और किसी विशेषज्ञ से भी आप इसके बारे में राय ले सकते हैं। और एक चीज़ है, नमक जैतून थोड़ा सा खरीद लें, इसे रसायन जैतून कहते हैं, और एक चुटकी में जितना आता है ऐसा सुबह पानी में मिला के और शाम को मिलाकर आप इसे पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो फायदा आपको तभी होगा जब आप जल्द से जल्द नुस्खे अपना लेंगे। सुनकर संतोष बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी कॉलर्स यहाँ पे कॉल लगाते हैं, दर्शकों, पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, टीवी का वॉल्यूम कम करके बैठिए, क्योंकि तभी आप लोग अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि नुस्खे बहुत कीमती होते हैं। सीधा आप लोग जानते हैं हकीम साहब से। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? निर्मला रानी, पंजाब से। निर्मला जी, सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे ना मतलब के बेटे को शुगर हो गई है। हाँ जी, पहले पता नहीं चला, जब चेक कराया तो 260 आई। जी, हाँ जी, एज क्या कुछ है इनकी? दिन जी। हाँ जी, एज 30 साल। हाँ 30 साल। हाँ, देखिए, अगर अभी आपको शुगर हुई है तो अभी आपके ठीक होने के चांसेस भी हैं, तो आप दो चार बातों पर गौर ज़रूर करें। एक तो भोजन जितना करते हैं उससे आधा कर दें, जैसे दो रोटी चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाना शुरू कर दें, उसके चाय 3 घंटे बाद फिर दो रोटी खा लें, आपकी खुराक तो पूरी हो जाएगी लेकिन डायबिटीज़ को बहुत राहत होगी। एक पांच बार गर्म पानी पीना है, 5 टाइम, ये रोज़ाना गरम गरम पानी जितना भी गरम आप पी सकते हैं लेकिन 5 बार पीना ज़रूरी है। 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी है धूप में, और जो लोग नहीं चल सकते तो वो खाली धूप में बैठ जाएं, इससे डायबिटीज़ बड़ी कंट्रोल होती है। और जैतून का सिरका, एक सिरका मिलता है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर अगर आप पीते हैं तो अभी आपके ठीक होने के भी चांसेस हैं। अगले कॉलर हैं सागर से। विशाल जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते नमस्कार, बताइए। मैम, ये पूछ रहा हूँ कि मेरी मम्मी की उम्र 40-42 के लगभग है, बस लगभग, तो वो मुँह में छाले का नहीं खा पाता है कुछ, छाले हैं, खाना नहीं खा मेडिसिन, पाती है। हाँ मेडिसिन वगैरह,
ठीक है। एक नारियल पानी मम्मी को पिलाइए रोज़ाना। अगर तंबाकू वगैरह खाती हैं तो छुड़वा दीजिए, और कोई गर्म चीज़ खाती हैं तो वो उस पर उसको कम कराइए। खाने में मिर्चें कम कराइए, एक नारियल पानी रोज़ पिलाइए। वैसे इससे फ़ायदा हो जाना चाहिए, अगर फिर भी फ़ायदा ना हो तो एक नारियल पानी में जैतून का नमक आता है, वो एक नारियल पानी में एक चुटकी जैतून का नमक मिला के रोज़ पिलाया करिए। अगर आप महीना दो महीना पिलाते हैं तो मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, राम रतन जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए, तेज आवाज में बात कीजिए। ये बहन जी से बात पूछना है कि मेरे को ये है कि ये पित्त का थैली मेरे पीछे पत्थरी है। कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है ये? हाँ जी मैम, कितनी बड़ी है ये मैम? हमने जब वो है कि अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो उसमें है क्या है कि 15 mm के बता रहे हैं, वो 15 mm की बता रहे हैं। 15 mm काफ़ी होता है, और आप देखिए, सही बात आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी पथरी का निकलना मुमकिन नहीं है। अगर 2-3 mm की होती तो उसको निकालना आसान है। हालांकि किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो वो निकल सकती है, लेकिन इसका पित्ते का कुछ ऐसा मामला है कि इसका सुराग बहुत छोटा होता है और 2-3 mm तक की पथरी का निकलना मुमकिन है। तो आप इसका ऑपरेशन भी करा सकते हैं, और ये बड़ा तकलीफ दे मर्ज़ है, और जब भी कुछ खाओ तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन हो सकता है। जी, महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर है कुलदीप जी, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी मैडम, बताइए, सवाल करिए। जी मैडम, मेरे घुटनों के नीचे में जो पैरों में नस उभर के आ गई है, मतलब जिसे हरा हरा दिखने लग रहा है, और पैर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो पैर थोड़ा काला भी हो गया, चमड़ा स्किन जो है काली हो गई है, और खुजलाहट होती है उसमें। दर्द भी है क्या? दर्द भी है? नहीं, दर्द नहीं है सर। ठीक है, अलसी भून लीजिए, वैसे 500 ग्राम के करीब अलसी भून लीजिए, थोड़ी भूनना, ज़्यादा नहीं, फिर इसको पाउडर बना लीजिए। ठीक है, अब ये अलसी एक चम्मच में लेकर इसका पाउडर बना हुआ लीजिए, और इसमें नमक जैतून का एक रसायन आता है नमक जैतून के नाम से, इसमें एक चुटकी मिला के रोज़ाना एक बार या दो बार खाया करें। ये 500 ग्राम मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है स्वतंत्र राय जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, हेलो जी, बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल करिए। जी से कर रहे हैं, गैस बनती है? गैस बनती है, कब से? कब से बनती है? आपकी एज क्या है? नमस्ते। हेलो जी, ठीक है, आपने जो कहा मैंने समझ लिया, आपके गैस बनती है, कब से बनती है अंदाजा लगाना पड़ेगा, कितनी उम्र है ये भी शायद हम अंदाजा कर सकते हैं। करीब 4 महीने हो गए। ठीक है, अच्छा देखिए, गैस का अच्छा इलाज है अगर आप कर सकें तो। आपके किचन में चीज़ें हैं, सौंफ आंवला धनिया और मेथी दाना, इन सबको पाउडर बना के एक एक चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, गर्म पानी से दिन में आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच ले सकते हैं, आधा आधा चम्मच से शुरू करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
जी। नेक्स्ट कॉलर है देव नारायण जी छत्तीसगढ़ से, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम दरअसल दांत में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हिल भी नहीं रहे और दर्द काफी हो रहा है उसमें। दांतों में? हाँ दांतों में, उसको चेक कराया था, हिल नहीं रहा है दांत, लेकिन दर्द हो रहा है दांत में। क्या ठंडा गर्म पानी भी लग रहा है आपको? हाँ मतलब ठंडा पानी तो नहीं पीता हूँ, नॉर्मल ही पी रहा हूँ, फिर भी मतलब उसका दर्द नहीं जा रहा है उसका। नहीं लगता है क्या? मतलब ठंडा गर्म मतलब दांतों में महसूस। हेलो। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं स्प्रिट, नीली नीली सी एक शीशी में कॉटन में लगा के और अपना नीडल साफ करते हैं इंजेक्शन का। ये ले लीजिए आप, और ये ना मिले तो पेट्रोल आपकी गाड़ी में जो यूज़ होता है ये थोड़ा सा ले लीजिए, और कॉटन में भिगो के उस दांत के आसपास भी और दांत पर भी मसूड़े पर भी लगाएं और मुंह लटका लें, अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप दो चार बार करेंगे तो आपका दांत का दर्द ठीक होना मुमकिन है। जी। वेस्ट बंगाल से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, कर्नल सिंह जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। बोला जी हम। जी जी कर्नल साहब बताइए। जी हमारा पुलिस जो मना हो गया जी। जी कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी बात, बताइए। मेरा जो बदन है ना जो मोटा हो गया जरा। अच्छा मोटा हो गया कर्नल साहब। चलते है ना तो पैर भी हमारा फूल रहा है। सुन है पैर भी फूल जाता है हमारा। फूल जाता है कर्नल साहब। आप फौज में थे? कर्नल साहब आप फौज में थे ना? ये नाम आपका कर्नल है। चलिए देखिए, फौजी को तो पता है कि पैदल चलने से और दौड़ने से हमारा बॉडी की चर्बी ख़त्म होती है। ये कैसी ट्रेनिंग जो मिलिट्री और फौज में कराई जाती है, 32 किलोमीटर या उससे कम ज़्यादा दौड़ाते हैं। अब ये उम्र नहीं रही, लेकिन जितनी आपकी हिम्मत है आप पैदल चलें और दौड़ सकें तो दौड़िए, भी आराम आराम से दौड़िए, बहुत तेज़ नहीं, इससे बहुत वज़न कम होता है। दुनिया का सबसे अच्छा इलाज है चर्बी कम करने का। हालांकि दवाओं से भी इसको कम किया जा सकता है, घरेलू नुस्खों से भी कम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस लायक हैं कि दौड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, पैर में सूजन आ जाती है, किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। पैर में सूजन आती है तो किडनी की प्रॉब्लम से भी चेहरे पे या पैरों पे सूजन आती है। एक नुस्खा बना लीजिए और वो ये है कि अलसी लीजिए 500 ग्राम और ये लीजिए आप नमक कलौंजी, ये कलौंजी का रसायन है, नमक कलौंजी 100 ग्राम, इन सबको हल्का सा भून के पाउडर बनाएं और एक छोटा चाय का चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं और 5 बार गर्म पानी पिया करें तो आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं रेशमा हमारे साथ बिजनौर से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अकीम साहब मेरे दो सवाल है। पहला मेरा यह है कि मेरी टांगों में दर्द होता है, मैं 48 साल की हूँ। अब मैं टांगों पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियों से फिर मेरे हल्के हल्के घोंटों में हुआ, घोंटों की फिर मैंने दवाई करी तो फिर हल्का हो गया। अब फिर मेरे आप जब काम कर दिए तो मेरी जांघों में होने लगा। अब जांघों में से फिर मेरे अब बैठने की जगह रीढ़ की हड्डी पे ठुड्डी पे वहां पे दर्द रहता, बैठ नहीं जा रहा फिलहाल। अब यहाँ से मेरे फूलों के पास में आ गया दर्द। अब मैं टांग में बहुत ही दर्द हो रही है, मेरे दिन में भी होने लगा, पहले रात में हो गया था, अब दिन में भी इतना कुछ काम कर लेती हूँ तो मेरी टांगों में बहुत ऐसा हो रहा, खिचाव सा दर्द बहुत हो रहा, मेरे यहाँ तक आ गया फूलों तक। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, मैं लीवर की मरीज हूँ, मुझे तेजाब ज्यादा बनता है। अब जैसे मैंने चाय ले ली सुबह का टाइम, आपसे मैं प्रोग्राम सुन के रहती हूँ तो गर्म पानी बताते कि एक दिन मैंने अभी कल परसों गर्म पानी पी लिया तो मेरे यहाँ दर्द सा और उल्टी सी होने लगती है। अंडा खा लेते हूँ तो वो ऐसे रखा रहता है, और ये तली हुई पकौड़ी ले लेती हूँ, पूरी वगैरह ले लेती हूँ और ये वगैरह ये खाती हूँ तो ये हजम नहीं होता, मेरे लीवर पे रहता और दर्द होता हल्का हल्का और उल्टी आती है।
मुझे ऐसा खाने का उपचार कोई बताइए कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, और आप सबको ठीक करते हैं डॉक्टर साहब, मेरा भी ठीक हो जाए तो मैं आपको दुआएं दूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, ये तकलीफ जो है पहले समझ लें आप, और दुआ तो आप को बगैर उसके भी देनी चाहिए पूरी कौम को। ये तकलीफ क्या है समझ लीजिए कि ये जहाँ दर्द अब पहुँचा है आपके कमर में, वहाँ पर इसका सेंटर है। लेकिन इस दर्द का होता क्या है कि मर्ज होता है कमर में, और दर्द होता है पिंडली में, फिर कभी घुटने में आ जाता है, फिर कभी थाइज में आ जाता है, जांघों में आ जाता है, किसी की एक में, किसी की दो में, किसी के खिंचाव होने लगता है, किसी को जलन होने लगती है, किसी को सुन होने लगता है। लेकिन ये मर्ज है कमर की रीत की हड्डी में नसों के दब जाने से होता है, इसे हम साइटिका कहते हैं। अच्छा देखिए, ठीक करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मशवरा कर देना। ठीक करना आपके रब का काम है, आपका और रब का मामला है आपके, आप उससे जितनी मदद मांगें आपको मिल जाएगी, जितने अच्छे आप खुद हैं। देखिए, इसके लिए गोंद से आपने सुना होगा, एक काला गोंद अगर आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाया जाए, तो ये 100 ग्राम भी अगर मिल जाए तो अपने ख़त्म होने से पहले और रोग को ख़त्म कर देता है। ये इसके नतीजे हैं जो हमारे सामने आते हैं, इसके रिज़ल्ट हैं। लेकिन उससे भी पहले आप, या दोनों नुस्खे साथ में इस्तेमाल करें, उससे भी पहले आपको क्या करना है कि एक तो सौंफ, धनिया, सूखा हुआ आंवला, मेथी का दाना, इन चारों चीज़ों को लें और इनको पाउडर बनाएं। ये सब हम वज़न हों बराबर बराबर वज़न, और इसको आप आधे से एक चम्मच तक रोज़ाना खाना शुरू करें, ताकि आपके मैदे पे जो वर्म है और वो हज़म नहीं कर पाता वो ठीक हो जाए, उसके बाद ये शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपके दोनों मर्ज ठीक होने लायक हैं, और आप अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं अगर नहीं हो, यानी ये कुर्सी वाला बाथरूम, नहीं तो आपको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ये कुर्सी वाली सीट लगी होगी तो आप बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं।